एक देश एक चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर फिर एक बार इस बात का जिक्र किया। पिछले कुछ सालों में ये चर्चा जोरों पर है, क्या ऐसा किया जा सकता है? मतलब क्या सच में ऐसा संभव है कि इतने बड़े देश में जहां की आबादी 135 करोड़ से भी ज्यादा है, वहां एक साथ लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव करवा लिए जाए? पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर इस पर विचार करने को कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि यह देश की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन को वास्तविकता में लाने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव की चर्चा पिछले कुछ समय से जोरों पर है। बीजेपी समेत कई दल सहमत हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष इसके खिलाफ है। चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग, संविधान समीक्षा आयोग जैसे मंचों पर इस बात को लेकर खूब विचार विमर्श हो चुके हैं। लोगों के बीच में भी इसकी चर्चाएं खूब हो चुकी हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।